मोबाइल संभाल के हैं, नीचे गया तो फिर ये दोस्तों इस टाइम हम लोग हैं बिल्कुल टिहरी डैम के बिल्कुल ऊपर। इसके अंदर ये जो जितने भी इसमें सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, इसमें कंक्रीट नहीं हुई है, मिट्टी बजरी और पत्थर का इस्तेमाल हुआ हुआ है। और ये देखिए यहाँ से क्या इसका लेक का व्यू है। और ये जो गोल गोल सा आपको जो नज़र आ रहा है, जब पानी ओवर हो जाता है तो पानी इसमें सिंक हो जाता है, अंदर चला जाता है। कुछ अलग ही एहसास है यहाँ आने के बाद। करीब मैं 20 साल के आसपास पहले आया था, जिस टाइम ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और इसी सड़क से मैं निकला था यमुनोत्री जी की तरफ। बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य है। हम लोग अपनी कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, पसंद आना वो आप लोगों के ऊपर है। ये देखिए बिल्कुल मेरे पीछे का व्यू, कितना सुंदर व्यू है। एक व्यू पॉइंट पे हम लोग हैं यहाँ पर। मन नहीं भरता है इन सब चीज़ों को कैप्चर करने से। मोबाइल का डाटा देखो कब तक चलता है इसमें। ये दोस्तों एक जगह हम रिजॉर्ट में रुके हैं, अभी आपको वहाँ कोटेज का भी सीन दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से टिहरी बांध का नज़ारा, बहुत ही मैं हाइट पे आके मैंने ये रिजॉर्ट लिया है। और ये देखिए ये जो बीच के अंदर वी बन रहा है, वी इसी के बिल्कुल पीछे हमारे को हिमालय पर्वत भी नज़र आ जाएंगे अगर मौसम साफ होगा तो। बहुत ही शानदार, कितने बढ़िया नज़ारा है, कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। और कल मैं आपको रोपवे पे लेके जाऊंगा जिससे हम टिहरी नहर को पार करेंगे उसमें। क्या शानदार गजब का नज़ारा है पहाड़ों में। उधर देखिए बिल्कुल काले बादल विकराल रूप के साथ में, नीचे आपके टिहरी डैम, विशाल ऊंचे ऊंचे पर्वत। क्या शाम के टाइम का नज़ारा है। ये नीचे यूनिवर्सिटी वगैरह है उसके, ये सारी यूनिवर्सिटी वगैरह है इधर। यहाँ के लोकल गांव है जी, यहाँ का देखिए लोकल गांव। ये देखिए इंद्रधनुष कभी कभार देखने को मिलता है। ये देखिए अभी 7:15 का टाइम है और ये नज़ारा देखिए, जैसे आसमान धरती पे उतर आया हो। नहीं इसमें आया था जो ये देखिए बिल्कुल टिहरी डैम के ऊपर की जितनी भी ये पहाड़ी है, ये रात का टाइम का दृश्य है। और ये देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया। देखिए दूर दूर तक जैसे आसमान धरती पर उतर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशी राम मल्होत्रा, आज फिर एक नए दिन की शुरुआत उत्तराखंड की वादियों से। आज हम रुके थे टिहरी डैम के बिल्कुल ऊपर, एक गांव है कुट्टा, वहाँ हम रुके थे। और ये बिल्कुल 6:20 में सुबह का समय है। ये देखिए बिल्कुल मेरे पीछे कितना ज़बरदस्त कोहरा है पहाड़ों के अंदर। ये देखिए बिल्कुल पीछे दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये यहाँ का सुबह 6:20 का व्यू है। ये देखिए कितना कोहरा है।
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे की दिनचर्या जैसी होगी वैसे आपको आगे बताते रहेंगे, चलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। धन्यवाद। ये देखिए 7 बजने को हैं और ये नज़ारा जन्नत, कितना प्यारा व्यू है। एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ सूर्य उदय का दृश्य, और ये देखिए बिल्कुल बीच में से ये बीच के अंदर टिहरी डैम, क्या शानदार, क्या सीनरी है, क्या व्यू है। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए बंदा यहाँ आता है और मैं आपको पूरा इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सूर्योदय का दृश्य देखिए, ये देखिए इस टाइम 8:30 बजे का व्यू। ये बिल्कुल मेरे सामने डैम है और उसके ऊपर बादल। हर 10-15 मिनट में यहाँ मौसम चेंज हो जाता है, 10 से 15 मिनट में मौसम पूरा चेंज हो जाता है। ये दोस्तों रात को हम इसी रैंथम होम्स के अंदर हमने स्टे किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर व्यू मेरे हिसाब से इस पूरे एरिया के अंदर ऐसा व्यू कहीं पे भी नहीं मिलेगा। टिहरी डैम आपको पूरी क्लियर नज़र आएंगी, पूरी पर्वतमाला नीचे से ऊपर तक सारा कुछ क्लियर नज़र आएगा आपको। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, खाने के हिसाब से, रेट के हिसाब से सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर आप कभी टिहरी आते हैं तो आप यहाँ इसको गूगल पे सर्च करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ज़रूर आइए आप यहाँ पर। सवार हुए हैं दोस्तों नाश्ता वगैरह करके और हम लोग फिर निकल गए हैं अपनी एक नई मंजिल की ओर, क्योंकि यहाँ काफ़ी कोहरा था। निकलना था सुबह 7:30 बजे था, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा था कि नज़र ही नहीं आ रहा था। तो नाश्ता करके हम निकले हैं, चलते हैं एक फिर एक नई मंजिल की तरफ। ये दोस्तों मैं गाड़ी साइड में लगा के अभी आपसे एक कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग एक भेड़ चाल के अंदर, जैसे हम कभी मंसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं या अदर किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ हमारे को भीड़ भाड़ में लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस भीड़ भाड़ में वो सुकून नहीं है। जब कभी आप लोग आए यहाँ, बहुत सारे गाँव हैं, लोगों ने कई जगह होम स्टे, काफ़ी अच्छी सुविधाएँ अपने घरों में, रिजॉर्ट्स वगैरह में बना रखी है और ये खास महंगे नहीं हैं। आप यहाँ पर आएँ और प्रकृति का असली आनंद जो है वो इन्हीं गांव के अंदर है। गांव की चोटियों के बिल्कुल ऊपर आपको एक से एक सुंदर दृश्य, जिस चीज़ को आप देखने आते हैं, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, शांति और उनके घर का हाथ का बना हुआ खाना, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मैं आप ही लोगों से सभी से एक आग्रह करना चाहता हूँ, भीड़ भाड़ से हट के इन गांवों में ज़रूर आएँ, कुछ अलग ही यहाँ देखने का मज़ा है। चलते हैं दोस्तों आगे।